भारत एक ऐसा देश जिसके अंदर विविधता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और भाषा के आधार पर। इतनी विविधताओं को इतनी विविधताओं के होते हुए भी हमारा भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अगर कोई पूछे कि भारत की पहचान क्या है, तो मैं तो सीधा जवाब दूंगा कि भारत की पहचान भारत खुद है, जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक अपने आप को कभी खोने नहीं दिया, अपने आप को कभी मिटने नहीं दिया, चाहे परिस्थितियां जो भी रही, चाहे शासन करने वाले लोग जो भी रहे। यह देश हमें यह बताता है कि परेशानी चाहे कितनी भी हो, लेकिन खुद कभी टूटना नहीं। यह देश हमें सिखाता है कि तुम हमेशा मजबूत रहो। यह देश हमें हमेशा मजबूत रहने को अग्रसर करता है। इसके अंदर वो सहनशीलता है, इसके अंदर वो सच्चाई की शक्ति है जो एक व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए साबित करता है। जब देश इतना परेशानियों से झेल कर आगे बढ़ सकता है, तो इंसान क्यों नहीं? यह हमें भारत देश, यह हमारा भारत देश सिखाता है। इस देश की सच्चाई यह बयां करती है कि तुम कितना भी टूट जाओ, तुम कितना भी बिखर जाओ, तुम कितना भी तितर बितर हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है, तो तुम हर युग में, हर समय में, हर वक्त में तुम आगे ही रहोगे, चाहे तुम पे जुल्म करने वाले लोग कितने हो जाए, कितने भी क्यों ना हो जाए। हमारा भारत हमें यह कहता है कि टूट जाए कमर फिर भी परवाह न करना, छोड़ जाए तुम्हें ये दुनिया फिर भी परवाह न करना, खुद को मजबूत रखना, खुद को अग्रसर करना, खुद को हमेशा मजबूत बनाए रखना। ऐसा ही हमारा देश भारत है, जिसकी इतिहास, जिसका ज्योग्राफी, जिसका भूगोल पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा भारत बहुत ही टूटा, बहुत ही बिखरा, बहुत ही जुल्म हुआ हमारे भारत पर, फिर भी यह अपने आप को समेटे रखा, अपनी संस्कृति को बनाए रखा, अपनी पहचान को मिटने नहीं दिया। ये हमारा भारत है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता।